Consider example 3. Construct the MDFA that accepts all possible strings of zeros and ones, where each string that do not end with triple one. Okay? तो कहता कोई मींस एक ऐसा DFA डिजाइन करना है जो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना करे जो एंड हो रही हो ट्रिपल वन से. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग में पैटर्न क्या है, किस लैंग्वेज में पैटर्न क्या है स्ट्रिंग्स का. तो अगर ये देखें तो ये पैटर्न है, मींस एक्स क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस. कहता है ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो इस टाइप की हो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए. ऑल रिमेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस शुड बी या मस्ट बी एक्सेप्टेड. ओके, ये मींस इसका मतलब है. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एंड जो ट्रिपल वन से हो रहा हो, ओके, वो स्ट्रिंग्स जो ट्रिपल वन से एंड हो रही हो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफए बनाएंगे. ओके, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ट्रिपल वन है, तो यहां से ये वन एंड देन अगेन वन एंड देन अगेन वन. ओके, तो और इसको क्या करूंगा, फाइनल स्टेट बना दूंगा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू और ये क्यू थ्री. ओके, अब क्या करेंगे, सिस्टम को कंप्लीट करेंगे. तो यहां पर जीरो का ट्रांजिशन, यहां पर जीरो का ट्रांजिशन, सॉरी जीरो का ट्रांजिशन यहां पे नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो का ट्रांजिशन इस जगह पे कर दिया तो ट्रिपल वन से जो एंडिंग हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, लूप लगा दिया तो. इसका मतलब हुआ कि जीरो आए तो यहां, यहां पे जीरो आए तो यहां, और यहां पे जीरो आए तो यहां. ओके, तो ये स्टेट में भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन इस पे भी हो गए, इस पे अगर वन आता है, यहां पर वन के बाद कितने भी वन आ जाए कोई इशू नहीं. तो हमने ये क्या कर दिया, ये डीएफए है किसके लिए, इसके लिए. ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि डीएफए बना दें, ओके, कि मतलब ऐसा इसके लिए कि दैट डू नॉट एंड्स विद ट्रिपल वन, तो जो इसी में मैं कर देता हूं, इसको क्या करने जा रहा हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट करने जा रहा हूं. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो फाइनल स्टेट है वो नॉन फाइनल और जो नॉन फाइनल है वो फाइनल. तो ये तीन स्टेट नॉन फाइनल है, तीनों को क्या कर दूंगा, फाइनल स्टेट बना दूंगा. ओके, और जो फाइनल स्टेट है उसको क्या कर दूंगा, नॉन फाइनल. तो ये नॉन फाइनल कर दिया, तो ये क्या है, डीएफए का कॉम्प्लीमेंट. तो ये भी एक तरह का एमडीएफए है. ओके, एमडीएफए है, इस मीन्स इसमें कोई भी अनरीचेबल या इक्वल स्टेट नहीं है. ओके, तो ये हमारी इस प्रॉब्लम के लिए डीएफए है, या कह लो एमडीएफए. एमडीएफए इसलिए क्योंकि इसमें अनरीचेबल या इक्वल स्टेट नहीं है. अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो चार स्टेट लग रही हैं. ओके, एंड दैट्स डन.